आज हम लोग बनाएंगे आम का अचार। इसके लिए हमें 4 से 5 किलो आम या कैरियां चाहिए कटी हुई। साथ में हम लेंगे आधा कप पीली सरसों, आधा कप अजवाइन, आधा कप दाना मेथी, 1 कप सौंफ, 1 कप जीरा और आधा कप गरम मसाला। साथ में बाकी के मसालों में लेंगे 1.5 कप लाल मिर्च, 1 कप हल्दी, 1.5 कप नमक और साथ में हम थोड़ी सी हींग भी लेंगे। हींग आप कोई सी भी ले सकते हैं, करीबन 1 चम्मच हींग लेंगे। और थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल गरम करके ठंडा किया हुआ। अब हम एक प्लेट में सारे मसाले डाल लेंगे जो हमने लिए थे, पीली सरसों, दाना मेथी, अजवाइन, जीरा और सौंफ। ये सभी मसाले अब हम एक में डाल लेंगे। एक प्लेट में हमने डाल लिए, अब हम इन्हें मिक्स करेंगे। तो हम पहले इन्हें मिक्सर लेते हैं, मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें से एक बोल मसाला, या कहे तो 1 कप, करीबन 1 कप मसाला हम इसमें से निकाल लेंगे। इसे ग्राइंड करेंगे हम मिक्सर में, ताकि उससे क्या है कि हमें थोड़ा टेस्ट बेटर आता है जब मसाला। अब हम इसे पीस के ले आते हैं, ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में, मिक्सर ने, और ये हम मिक्स कर लिया। अब हम इसे इसी मसाले में मिला देंगे, इसे इसका टेस्ट थोड़ा बेटर होगा, क्योंकि मसाला अगर पूरा बारीक होता है तो अच्छा नहीं लगता, और पूरा होता है तो भी अच्छा नहीं लगता। मिक्स में टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है अचार में। इसे मिक्स कर लिया, अब हम इसे रख लेते हैं। इसमें हम बाकी मसाले डालेंगे, हल्दी जो हमने ली थी, अब इसके बाद इसमें लाल मिर्च डालते हैं। जो भी मसाले हमने लिए थे हम पूरे पूरे मसाले डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें नमक डालेंगे, हम गरम मसाला डाल देंगे। ये सब डालने के बाद हम इसमें थोड़ी सी हींग, हींग आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच या और भी ज़्यादा डालना चाहे तो। हींग नॉर्मली 1 चम्मच डालना चाहिए। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, मिक्स हो चुका है। अब ये हम इसे अचार में डालेंगे। ये कैरियाँ करीबन 4 से 5 किलो है, तो ये मसाला इसी हिसाब से, अगर आप कम बना रहे हैं तो मसाला भी कम ले। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, मसाला इनमें मिल जाना चाहिए, इसलिए आप बड़े चम्मच ले आराम से, और इसे कैरियों में मसाला अच्छे से मिला लिया। अभी एक बड़े बर्तन में मिलाने, आपको एक बार छोटे बर्तन में लेकर थोड़ा मिला के दिखा देता हूँ मैं। तो ये मैंने थोड़ी सी, करीबन 1 किलो के कैरी, इसमें से आधा या 1 किलो कैरी बाहर निकाल लिए इस बर्तन में। अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो हम पहले तो इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे जो हमने गर्म करके ठंडा किया सरसों को। तेल से मसाला भी इससे अच्छा हो जाएगा, और तेल में ही ये प्रिजर्वेटिव भी अच्छे से रहती है, इसलिए तेल हमें अच्छे से डालना है, लिमिट से ज़्यादा भी नहीं लेकिन लिमिटेड, जिससे अब इसके अच्छे से तेल भी लग जाए और मसाला भी लग जाए। जब भी हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, ध्यान रहे मिल अच्छे से जाना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना रहे कि मसाला अच्छे से लगा नहीं हो, टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। वरना अभी हमारे अच्छे मिल गए, तो हम इसे एक ग्लास के जार में या प्लास्टिक जार में डाल लेंगे। तो अभी मैं इसे एक ग्लास जार में डाल देता हूँ। इस ग्लास जार के अंदर ये, अब जब हमें लंबे टाइम तक रखनी है तो ग्लास जार में, कभी भी स्टील जार ना ले, क्योंकि स्टील जार में प्रिजर्वेटिव ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहती। और ये जो हमारा तेल बचा हुआ था मसाले वाला, वो भी हम इसमें डाल देंगे। ध्यान रहे तेल अचार से थोड़ा सा ऊपर तक होनी चाहिए, तेल की लेयर अचार से ऊपर होनी चाहिए थोड़ी। आप इसे थोड़ा सा दबा के डाल दें, तेल की लेयर थोड़ी कम है तो मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगा जो हमने गर्म कर डाला था। अब जरूरी नहीं है तेल में मसाला मिलाना, नॉर्मल तेल भी डाल सकते हैं बिल्कुल। अब तेल इसके बराबर है अचार के, तो हम इसके ऊपर तक आ गया। थोड़ा टाइम बाद ये तेल जब ऊपर आएगा तो बराबर हो जाएगा। तो हमारा आम का अचार बिल्कुल तैयार है।
इस आम के अचार को जरूर बनाएं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका अचार कैसा बना, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें।